हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेमेस्टर टू का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टैटिक ले रहा हूँ, स्टैटिक के अंदर भी चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। उस चैप्टर का नाम है वाहन व्यवहार की समस्या, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगा, दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करूंगा। ये चैप्टर की बात करूं तो बहुत ही इजी चैप्टर माना जाता है। वैसे तो ये एग्जाम में 14 मार्क का आएगा। इस चैप्टर में ओवरऑल तीन मेथड है, राइट ना। तीनों मेथड का नाम बताया था, फिर उसमें से एक मेथड आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। वैसे तो मैं तीनों मेथड इस वीडियो में एक्सप्लेन कर सकता हूं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं एक मेथड एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में सेकंड वैसे मैं कवर कर लूंगा। तो पहली मेथड का नाम है वाइवा खुड़ानी रीत, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। सेकेंड मेथड का नाम है न्यूनतम श्रेणी रीत, मिनिमा मैट्रिक्स मेथड। और थर्ड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपल्सरी आती है, वोगेल्स मेथड। तो आज की वीडियो में फर्स्ट मेथड में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है वाइवा खुड़ानी रीत, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो मैंने प्रैक्टिकल सम्स ऑलरेडी राइट डाउन किया हुआ है, ये बुक के समय मैं आपको बता दूं। ये है क्वेश्चन नंबर 14, ये है सम या हेडलाइन में लिखा गया वाइवा खुड़ानी रीत नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, यूनिवर्सिटी 2012 में पूछा हुआ सम है। ऑलरेडी मैं राइट डाउन कंप्लीट कर लिया है, आपको ऐसे राइट डाउन कर देना है। अब इसको सॉल्यूशन में बता दो, वो सिंपल ट्रिक में बताऊंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। सिंपल सा क्या करना है आपको, मेथड का नाम देखिए, एक मिनट बता देता हूँ। खुड़ानी रीत, खुड़ा मतलब आपको खूने खूने से सॉल्यूशन करना है। इंग्लिश में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, कॉर्नर पकड़ के सॉल्यूशन करना। नॉर्थ वेस्ट होता है कि आप जानते हैं, मैं बता देता हूँ कि आपको जो ये आपकी चार साइड होती है आप जानते हो, राइट ना। उसी के अंदर ये जो ऊपर होता है आप जानते हो, ये नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है साउथ होता है, यहाँ पे क्या होता है वेस्ट होता है, और यहाँ पे क्या होता है ईस्ट होता है। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट ये दोनों कहाँ मिलता है, फर्स्ट कॉर्नर में मिलेगा, राइट ना, फर्स्ट कॉर्नर या फर्स्ट खूना। इसलिए सम्स में सबसे पहले फर्स्ट वाले कॉर्नर का सॉल्यूशन किया जाएगा। अब होता है कि आप बहुत सिंपल है, मैं डीप में समझा सकता हूँ, लेकिन आपको इजीली वे से समझा देता हूँ। हमको टोटल बाहर दिया गया है, ये दिया पूर्वटो सप्लाई, और ये दिया मांग डिमांड, और ये सारे खर्चे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जब माल ले जाया जाएगा तो ये कंपनी इतना खर्चा पेड करती है। तो टोटल इसका सप्लाई करने की कैपेसिटी इतनी है, इसकी डिमांड इतनी है, तो कौन किसका पूरा करेगा, किसके खर्चे सबसे कम होंगे वो फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉर्नर, तो सबसे पहले इसी का सॉल्यूशन करना है आपको, कॉर्नर वाइज खूना वाइज। तो सबसे पहले इसका सप्लाई देखिए कितना है 13, और नीचे उसका डिमांड देखिए पी का कितना 10। तो याद रखिए जो सबसे स्मॉल होगा, क्योंकि वही पूरा कर पाएगा ना, इसकी डिमांड कितनी है 10 है, और ये सप्लाई कितना 13, तो 10 का 10 इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसकी सप्लाई ज्यादा है, तो पूरा पूरा 10 ये सप्लाई कर देगा। वरना सिंपल बोलूं तो 13 और 10 दोनों में जो स्मॉल वैल्यू है वो आप यहां पुट ऑन कर दीजिए, अंदर रख लीजिए 10। अब होगा क्या कि इसकी डिमांड में से माइनस कर दो 10 में से 10 जीरो, इसकी डिमांड क्या हो गई कंप्लीट, और इसका सप्लाई में से 10 कम हो गया, तो अब कितना बचा 3 बचा, मतलब माइनस करना है, सिंपल सी बात है। दोनों में से जो छोटा है वो लिख लीजिए, और आउटसाइड सप्लायर पूर्वटो, नीचे डिमांड मांग माइनस कर दीजिए। अब होता क्या, एक नहीं तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी का काम कंप्लीट हो जाएगा, किसी की डिमांड पूरी हो जाएगी या तो किसी का सप्लाई खत्म हो जाएगा। तो यहां इसकी डिमांड कंप्लीट हो चुकी, तो अभी डिमांड वापस करेगा नहीं करेगा, तो बाकी सबका खर्चा उसको नहीं है, तो ये सब नील हो जाएगा। अब इसको क्रॉस कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, अब इसके लिए सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा, इसने यहां से माल पूरा ले लिया 10 रुपीज के हिसाब से। अब बस खूना बना, नेक्स्ट आपको ये सोल्यूशन करना, आपको नीचे नहीं जाना है, जब तक ये पहला वाला सेक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक नीचे नहीं आना है आपको, उसके बाद वाला खूना बाद वाला कॉर्नर आपको सोल्यूशन करना है। अब सोल्यूशन करने का काम वैसा ही है, सामने देखिए 3, नीचे देखिए 16, जो सबसे ज्यादा सबसे स्मॉल होगा वही लिखा जाएगा, स्मॉल कितना है 3, तो आपको अंदर लिख लेना है। 3 माइनस कर दिया तो यहाँ 0 हो चुका है, 3 माइनस किया 13 हो चुका है, देखिए 0 हो चुका है, इसका काम पूरा हो चुका है, सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो बाकी सबका क्या करना, वैल्यू कैंसिल कर देना, उनका सॉल्यूशन करना नहीं है। अब नेक्स्ट नीचे आ सकते हैं, तो फर्स्ट का तो हो चुका है, सेकंड वाले का करेंगे, खूना कॉर्नर का, बस सेम टू सेम, सामने देखिए 40, नीचे देखिए 13 बचा है, याद रखिए माइनस करने के बाद 13 और 40 दोनों में से स्मॉल कितना है 13, तो यहाँ 30 रख दीजिए, दोनों में से लेस कर दीजिए, यहाँ 27 बचेगा, और ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो चुका है, तो इस लाइन को क्या करने का आपको, कैंसिल, जो जो बाकी है उसको क्या कर देने का, कैंसिल कर देने का, हो गया। अभी सेकंड रो में चल रहे हैं लोग, यहाँ अभी इस खूने को सॉल्यूशन करेंगे, सामने अब जो वैल्यू बची है 27, नीचे कितना बचा है 16, तो दोनों में से स्मॉल कितना है 16, तो आपको 16 रख देना है, और आउटसाइड जाके क्या करने का, माइनस, तो यहाँ पे कितना बचेगा 11,
और यहाँ माइनस करेंगे तो जीरो, अगेन ये जीरो चुका है तो बाकी वैल्यू को क्या कर देने का, कैंसिल कर देने, क्योंकि अब इनका कोई भी डिमांड होगा नहीं, अभी ये रो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसके आगे वाले खूणे को, कॉलर को सॉल्यूशन करना है, नीचे नहीं आना भूल से भी। तो यहाँ पे कितना बचा 11 और नीचे इसका कितना 17, तो कितना रखना चाहिए समझो, स्मॉल कितना है 11, जो छोटा का वो रख लिया जाएगा, माइनस कर देंगे 11 में से 11 जीरो, 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, ये जीरो हो चुका है। तो ये लाइन में अब जो बचा वो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अब इसका सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। अब नीचे आएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड हो चुका, उसके बाद की वैल्यू 8 के लिए सॉल्यूशन करेंगे, तो सामने देखिए 17, नीचे देखिए 6, तो कौन सा रखना चाहिए जो स्मॉल है, कौन है 6, माइनस कर दो 6 में 6 जीरो, 17 में से माइनस कर दो 6 11, राइट ना। अब लास्ट कॉर्नर ही बचा है, लास्ट कॉर्नर में दोनों क्या बन जाएंगे इक्वल, क्योंकि जितना उसका सप्लाई करने की कैपेसिटी है जिसकी डिमांड दोनों मैचअप हो जाएगी, क्योंकि 11 का 11 रख के कंप्लीट लास्ट क्या हो जाएगा, जीरो होना कंपलसरी है। ये हमारा फर्स्ट काम हो गया, पूरा सम की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दिया। अब हमको सिर्फ क्या करना है, ये स्टेप वन इसको नाम दे देता हूं मैं आपको, जिससे इजी रहेगा समझना। अब स्टेप टू में आपको क्या करना है, जस्ट वैल्यू बताना है कि किस किस को क्या वैल्यू अलोकेट की गई है, किसको क्या मिला गया। तो फर्स्ट ये सारी xi की वैल्यू होती है, कौन सी होती है xi की, ऊपर स्टार्टिंग xi का 11 से चालू होता है, xi का 11 12 13 ऐसे होता है, नीचे आते ही कौन सा हो जाएगा x का 21 हो जाएगा, 22 23 और नीचे आएंगे वैसे 31, 10 10 इंक्रीज हो जाएगा, पर 10 से ज्यादा वैल्यू होगी नहीं, राइट समझ गए होंगे। तो ये फर्स्ट जो मिला है वो x 11 का मिला है, x 11 इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट जो वैल्यू मिला जो हमने अंदर रखी वो लिखना है x 12 इज इक्वल टू 3, आगे तो है ही नहीं तो कैंसिल ही हो जाने दो। नीचे जैसे आएंगे ये 21 हो जाएगा, 21 22, तो ये किसका वैल्यू है, x 22 का वैल्यू, x 22 इज इक्वल टू 13 आपको लिखना है जो हमने फाइंड आउट किया, पर x की कौन सी वैल्यू है ये आपको पता, 22 था तो ये क्या आएगा 23 इज इक्वल टू 16, तो नेक्स्ट 24 समझे, 21 22 23 24 x 24 इज इक्वल टू 11। नीचे आएंगे जैसे 31 हो जाएगा, 10 10 इंक्रीज हो जाएगा, 31 32 33 34, तो x 34 की वैल्यू कितना है 6 है, और ये x क्या हो जाएगा 35 की वैल्यू कितना हो जाएगा 11। सेकंड वर्क पूरा हो गया, आपको दिखा देना है कि ये उकेल, ये सॉल्यूशन हमको मिला है। अब आपको क्या निकाला, स्टेप 3 फाइनल आंसर निकालना है, क्या बताना है, कुल खर्च बताना है, वो भी मिनिमम न्यूनतम वाला टोटल कोस्ट बताना है। तो टोटल कोस्ट कितना होगा, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लिकेशन करो, 8 के हिसाब से ये खर्चा लेता है और 10 का हमने उसके पास से सप्लाई मंगवाया है, जो भी हुआ, तो दोनों का क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, क्या करना है 8 इंटू में 10 प्लस 3 इंटू में 7 प्लस ऊपर कुछ नहीं है यहाँ पे 13 इंटू 8, बस आपको कुछ नहीं करना है, जितना हमने फिलअप किया और जितना एक्चुअल में कोस्ट है दोनों का क्या करना है इनटू ही करना है, या 5 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 5 या 5 इंटू 11 एक ही बात है। नीचे आएंगे तो 6 इंटू 8 प्लस 11 इंटू 4 सारा हो गया। अब बस इंटू करके फाइनल आंसर लिख लीजिए, तो देख लीजिए यहां पर इसका इंटू करेंगे तो 18, यहां पर इंटू किया 21, यहाँ पर 13 इंटू 8 करेंगे तो 104 प्लस 16 इंटू 7 करेंगे 112 और 11 और 5 करेंगे ना 55, 6 इंटू 8 48 और 11 इंटू 4 44। अब सबको ऐड कर लीजिए, क्या करना है सबको ऐड, तो आंसर हमारा फाइनल टोटल करने में कितना आएगा 464 रुपीस हमारा कोस्ट पड़ेगा, जो मिनिमम पड़ेगा इस मेथड के अकॉर्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन का वाहन वर्ग का खर्चा पड़ेगा 464। ये सॉल्यूशन हो गया वाई वाई खूणा नीरी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में। सिंपल आपको शॉर्ट में बताओ क्या याद करना है, खोने खोने से हल करना, खूणा खूने से, कॉर्नर से, वैल्यू कैसे रखना है आउटसाइड दोनों के देख लो, जो वैल्यू स्मॉल है वो रख लो, और क्या करना है दोनों साइड माइनस करना, माइनस करने में एक ना एक तो जीरो हो जाएगा, अगर ये जीरो तो बाकी सब वैल्यू को कैंसिल करो, यहाँ जीरो तो ये सब वैल्यू को कैंसिल करो, उसके बाद नीचे आइए अगर सारी कैंसिल हो गई तो उसके बाजू वाले को सॉल्यूशन कीजिए, जब तक ऊपर का लाइन फिनिश ना हो तब तक नीचे नहीं आना, ऐसे आपको लाइन बाय लाइन खूणा बाय खूणा कॉर्नर बाय कॉर्नर चलना है और सबका सॉल्यूशन हो जाएगा, लास्ट में इक्वल वैल्यू बचनी चाहिए जो हम यहाँ पुट ऑन करेंगे और दोनों करने में क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, और उसके बाद समझ लीजिए कि आपने परफेक्ट किया है, और उसके बाद आपको एक्स समझ के कर लेना, ये एक्स 11 होगा 12 13 नीचे आते 21 की एक्स की वैल्यू होगी, नीचे आते 31 नीचे आते 41 होगा, और लास्ट में क्या करना है खर्चा निकालना है,
टोटल कॉस्ट निकालना है, इनटू कर दीजिए, मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, ऑटोमेटिकली आपको कॉस्ट टोटल मिल जाएगा। ये हो गया फर्स्ट मेथड, डन हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है मुझे कमेंट करके बात जरूर बताना, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।